आज सुबह ही सुबह जो है सभी का के हाथों पे जो है वो मैंने गुल निकाली है, गुल निकाली है। आज सुनीता सुजिया के हाथों में देखिए ये मेहंदी का डिज़ाइन मैंने बना लिया। कल मॉल हम गए थे, वहाँ मुझे बड़ी खूबसूरत सी जो है, इसको ऐसे रखो ना, हाथ को थोड़ा दिखाओ ऐसे करके, बड़ी खूबसूरत सी हमें जो है वो बड़ी खूबसूरत सी हमें वहाँ पर मेहंदी दिख गई थी। तो मैंने सोचा कि मेहंदी ला के सभी को मेहंदी लगाऊंगी। तो ये देखें कैसा लगा डिज़ाइन। जरूर देखना है क्योंकि कल के ब्लॉग में मैं, सबिका और मम्मा हम लोग गए थे मार्केट और हम वहां से लेकर आए फेशियल किट। मतलब नॉर्मल फेशियल किट है, ये कोई ब्रांड फेशियल किट नहीं है, नॉर्मल पाकिस्तानी का सॉफ्ट टच का सामान है, डिफरेंट कंपनी का, जो कि सब ये डर्मा शाइनर का मतलब स्क्रब है और ये तो नॉर्मल मसाज क्रीम है। बस सिंपल मैंने कोई एक्सपेंसिव किट नहीं ली है, सिंपल वाली किट ली है जो मैं अभी आपको दिखाते जाऊँगी ड्यूरिंग ऑफ फेशियल। और यहाँ पे जो है अभी सबिका का पहले फेशियल करेंगे। इसकी नाक ना बहुत काली हो गई है और देर इसकी नो सभी अपने आपको दिख रही है, ब्लैक 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 हो गई है, देर मूड में नहीं है, बैठी है। तो गर्मी के दिनों में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो करती रहनी चाहिए। अच्छा जी, ब्लीच जो है वो मैंने सभी का फेशियल से पहले हमेशा, ब्लीच जो है वो हमेशा फेशियल से पहले लिया कीजिए। तो ब्लीच जो है वो सभी के फेस पे पहले अप्लाई कर दी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक आरामदेह चेयर लेनी है और उसमें मेरी तरह आलती पालती मार के ढाई मन की धोबन बन के बैठ जाना है। ये मेरी नानी मामा, नानी कहती थी कि मामा लोगों के स्मार्ट रहना चाहिए, तुम लोग तो ढाई मन की धोबन की तरह बैठती हो। मतलब मेरी नानी को मामा बताती है बहुत बुरा लगता था जब लड़कियां इस तरीके से बैठती है, लेकिन फेशियल के दौरान आप इस तरीके से बैठ जाइए। और यहाँ पे चले मैं अभी, अब सीरियस हो जाते हैं। ये देखें, ये सूथिंग कैलमिंग लोशन है, मैं यहाँ सॉफ्ट टच का यूज़ कर रही हूँ। ये डिफरेंट कंपनी वाले सूथिंग कैलमिंग फेशियल क्लिंजर में यही यूज़ होता है, सिंपल क्लिंजर यूज़ नहीं होता है। अगर कोई आपको ये कह रहा है तो वो आपको पागल बना रहा है, क्योंकि वो सिर्फ मेकअप रिमूवर है। या हम बाहर से हमने जस्ट थोड़ा सा उसको रिमूव फेस पे क्लीनअप किया और फेस वॉश कर लिया, फेशियल का ये है, ठीक हो गया। सूथिंग कैलमिंग लोशन लॉफ्टी का होता है, सॉफ्ट टच का होता है, ये दो कंपनी का मैंने यूज़ किया है, ऑसम रिजल्ट है। लेकिन कल जो है मैंने सॉफ्ट टच का ले लिया। तो चलिए जी, सबसे पहले सबिका के फेस पे मैं इसको अप्लाई करूँगी। और ये देखिए मैंने मैंने तकरीबन जो है 1 टीस्पून के करीब ये ले लिया है। तो खाना पकाने वाली है ना, 1 टीस्पून नहीं मैं बता, 1 टीस्पून देखिए इसकी प्रोडक्ट की क्वान्टिटी चेक करें, 1 टीस्पून है बस। अब मैंने सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी पानी लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। अच्छा जी, हम कोई प्रोफेशनल पार्लर वाली नहीं है, हमें अपने काम ऐसा करना है कि हम बहनों के फेस पर रिजल्ट आ जाए, हमें चलचलानी कि मेरे 10 कस्टमर बैठे हुए। तो कम से कम 10 मिनट्स, ठीक है, 15 पे सभी का अभी चिड़ गई है, 10 मिनट्स में करूँगी। 10, ये नहीं है कि 6 मिनट 7 मिनट क्या पोंछ दिया, नहीं, आपने ये 10 मिनट करना है। ज़रूरत पड़े आपने बीच में साफ पानी रखना है, पानी में हाथ को डीप करना है, देन करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये करना है। चलिए सबसे पहले तो हम सभी का के फेस पे, अच्छा जी प्रोडक्ट आपने फेस पे अप्लाई करना है, नेक पे फेस से ही वो सप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे लगा अप्लाई हो जाएगा ना वो फेस। नहीं मैं तुम्हारा जुगा वो देख रही हूँ, वर्ड का मिला हो असल में भाई। देखिए जब लाइव आप हो रहे होते हैं तो देखें ये हो गया। अब मैंने ये, अब फेशियल का जो ट्रिक है वो आपने नेक से स्टार्ट करना है, ओके। ये सभी का मुझे कह दिया सीने ऊपर कर लो, ये नेक से स्टार्ट करना है ताकि जो फेशियल कराने वाला बंदा है ना उसको रिलैक्स मिले, वो रेस्ट ले, उसको जितना रेस्ट और रिलैक्स फील वो करेगा रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। चले जी, इसको जो है मैं यहाँ पर इसका क्लिंजर जो है 10 मिनट्स करूँगी। शाइन का स्क्रब ले लिया है, स्टिव्स का भी मिलता है, डर्मा शाइन का भी मिलता है और मिलता है एप्रिकॉट। मैंने यहाँ पे एप्रिकॉट लिया, ये प्रोडक्ट भी बस पे मैंने 1 टीस्पून लिया, इससे ज़्यादा नहीं ले लिया। इसको लगाना है और बस इसको 10 मिनट जो करने बाद अच्छा जी, यहाँ पे 10 मिनट्स स्क्रब हो चुका है। अब क्या करना है, मैंने फिंगर्स को पानी में डीप किया और नोज़ को थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि ब्लैक हेड हमें वेट कंडीशन में निकालना है।
अब यहाँ पे ये देखें, ये आपको शो हो रहा होगा, इस तरह का बहुत ईजिली मार्केट में ये लूज में भी मिल जाता है और सेट में भी मिलता है। ब्लैक हेड निकालने के ये होता है स्पेशल, इसको जो इक्विपमेंट ये होता है इसको लेना है और बस जी आपने प्रेस डाउन करते जाना है, ब्लैक हेड आते जाने हैं। और मैंने यहाँ पे टॉवल ले लिया है, इसमें जो है बस मैं पोछती जाऊँगी। अच्छा चेक करें, ये देखें क्या हो रहा है इसका, इतना ज़्यादा ब्लैक हो गया। यहाँ पे तो एक नोक निकल गई थी, इसको निकालने में देखो लाल हो गया। चलो निकालो तुम। अच्छा वो जो ब्लैक लाइन तुम्हारी नोज पे बनी हुई थी वो काफ़ी हद तक रिमूव हो गई है ना? हाँ काफ़ी हद तक हो गई है, देखें ब्लैक लाइन नहीं, एक एक मिनट, नज़र आ रहा है क्लियर? हाँ क्लियर नज़र आ रहा है, हाँ वो ब्लैक लाइन ख़त्म हो गई है, तक निकला है। ये बहुत दिनों बाद फेशियल अप्लाई हुआ है तो इसीलिए जो है ये समझे 55% निकला होगा ना। अभी है एक फेशियल हम लोग और लेंगे ईद से पहले, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा सर। अब यहाँ पे फेस को इसने बिल्कुल जाके अच्छी तरीके से वॉश किया है, फेस को सादे पानी से वॉश करना, ये नहीं है कि ठंडे वंडे पानी से करना है, सादे पानी से वॉश कर लें। उसके बाद अब मैं इसका करूँगी मसाज, मसाजर क्रीम मैं ये वाली लाई हूँ सिंपल ये वाली, आपने किसी और एक्सपेंसिव यूज़ करनी है अवॉइड करने को, मैंने एक्सपेंसिव भी यूज़ की हुई है, मैं ये भी यूज़ करती हूँ, दोनों ये चाहिए अभी समर में तो ये सही है, तो ये मैंने ले लिया इसको। ये भी तकरीबन आपने अपने अंदाजे से इतना प्रोडक्ट लेना है। और बात वही है कि फेशियल के दौरान जो आपने प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट आपने इतना ही लेना है कि अगेन प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्रोडक्ट की एक टाइम होती है कि वो प्रोडक्ट हमने इतने टाइम फेस पे उसको मसाज करें। तो मेरे नाक पे आप लोग पहले का देखो तो काफ़ी ब्लैक लाइन आ गई थी, जिससे अभी फेशियल करने से काफ़ी हद तक सही हो गई है, लेकिन ये प्रॉपर सही नहीं हुई है। अभी एक दो फेशियल और होने और इंशाल्लाह हम लोग ईद से पहले एक फेशियल की सिटिंग और लेंगे, मतलब घर पे ही सिटिंग। तो और ये चेक करें, ये फेशियल करते करते पता नहीं इशू हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक मोटा सा ब्लैक हेड आ गया था, ब्लैक हेड कह लो उसको, हम कील भी कहते हैं, वो टाइप का आ गया था, उसको निकालने में ये रेड थोड़ा सा हो गया, बाकी सब मुझे बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। और ऐसे भी कलर जो है वो थोड़ा बहुत सही हुआ है, लेकिन प्रॉपर सही नहीं हुआ है, दोबारा और लेना है अभी, क्योंकि मुझे मैंने काफ़ी दिनों से किया था। और अब आईब्रो भी बनवानी है, तो फिर मैं पप्पू बच्चा बन जाऊँगा। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मसारा किचन और मसारा ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मैं हूँ सभी का सैयद, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।